नमस्कार साथियों, आप भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 News। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV20 News। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। अखिल भारत वर्षीय गुण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुवाल प्रसाद गुड़ ने कहा कि देश और दुनिया के कई देशों में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष 30वां विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया भर के आदिवासी समाज के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित किया था। 30 वर्षों के बाद भी आदिवासी समुदाय मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो सका है। आदिवासी दलित समाज को सरकार की सभी सुविधाओं से जिला प्रशासन वंचित कर रहा है। गोंड व खरवार को अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की भारत सरकार व प्रदेश सरकार समस्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए। महानंद गोड़ ने कहा कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों व प्रदेशों में निवासरत आदिवासी समाज अपनी उपेक्षा, गरीबी व बंधुआ मजदूरी व बाल मजदूरी, अशिक्षा जैसी समस्या से जूझ रहा है। उनकी भाषा, संस्कृति, इतिहास का संरक्षण हो रहा है। इसके लिए सरकारों को विशेष ध्यान देकर संरक्षित किया जाना चाहिए। सूर्यमुखी गौड़ ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल गौड़ ने बताया कि आज ही के दिन आदिवासियों के साथ ही आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा महानायक का शहीदी दिवस भी है। क्या नाम है? सुवाल प्रसाद गौड़। अच्छा, किस माह को लेकर धरना प्रदर्शन? यह आदिवासी दिवस है जो हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, वो भी पूरे भारतवर्ष में। कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां आदिवासी दिवस न मनाते हो। क्या है मांग? मांग आदिवासी दिवस पे राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें और बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश घोषित करें। और हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। उसका मांग पत्र 1 महीना पहले माननीय जिला अधिकारी महोदय को दिया गया था कि एक बैठक करा दें जिसमें समस्त तहसीलदार और SDM और समाज के हमारे लोग बैठेंगे और कोई ना कोई समस्या का निदान माननीय जिला अधिकारी निकालने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ? अभी तक तो बाबू के पास पत्रक है और वो आजकल किए हुए है, टरका रहा है। और हम लोगों ने उससे कह दिया है कि 9 को हमारा आदिवासी दिवस है, हम उस दिन मांग पत्रक देंगे और हमारी समस्या का निदान नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई हम लोग वो करेंगे। मार्टिनगिल ब्लॉक के यूसपुर गांव फूर सभा में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर सेक्रेटरी की उपस्थिति में शुरू हुआ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का चुनाव, जहां 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें 2 प्रत्याशियों ने बड़े गहमागहमी के बीच चुनाव लड़ा, जिसमें दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने वोटरों की लाइन लगवाकर काउंटिंग शुरू की। जहां पहली काउंटिंग में कुसुम यादव पत्नी कृष्णकांत ने 587 मत व अंजू चौहान पत्नी चंद्रभूषण को 468 मत मिला। वहीं जैसे ही राय काउंटिंग शुरू हुई तभी दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस इतना ज़्यादा बढ़ गई कि प्रत्याशी अंजू चौहान अपने समर्थकों संघ सचिव विनोद यादव पर निष्पक्ष चुनाव न करने का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार करते हुए विद्यालय परिसर से चली गई, जहां सेक्रेटरी विनोद यादव ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए कुसुम यादव पत्नी कृष्णकांत यादव को 119 मतों से जीत की घोषणा कर दी। जहां कुसुम यादव के समर्थकों ने अपने प्रत्याशी का फूल मालाओं से स्वागत किया, वहीं नवनिर्वाचित कोटेदार कुसुम यादव ने कहा कि करीब 30 वर्षों से हमारे घर में ही कोटे की दुकान रहा और आज फिर एक बार हमें सरकारी गल्ले की दुकान मिली है, जिससे पूर्व की भांति ग्रामीणों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। वहीं अंजू चौहान पत्नी चंद्रभूषण ने सेक्रेटरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पहले भी सेक्रेटरी विनोद यादव व संबंधित अधिकारियों द्वारा कोटे का चुनाव 8 अगस्त को, जिसमें हम 300 मतों से विजयी हुए, दूसरी बार 12 जुलाई 2023 को हम 250 मतों से विजयी हुए, तीसरी बार 28 जुलाई 2023 को चुनाव हुआ जिसमें हम 300 मतों से विजयी हुए और चौथी बार 3 अगस्त 2023 को हम 200 मतों से विजयी हुए, जिसमें यही सेक्रेटरी विनोद यादव ने हमारी विजय होने की घोषणा नहीं किया और आज पूर्व कोटेदार से साठगांठ कर बाहरी ग्राम सभाओं से लाकर लोगों को चुनाव की काउंटिंग कराई और फर्जी तरह से जीत की घोषणा किया गया है। वही अन्य प्रत्याशी उमेश चौहान, श्रवण कुमार, भूतपुर सैनिक ऋषि मुनि गिरी, संतोष यादव ने भी सेक्रेटरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत निर्वाचन सूची में टोटल करीब 2700 मत है, मगर सेक्रेटरी विनोद यादव द्वारा मात्र 483 ग्रामीणों की सिग्नेचर कराकर प्रस्ताव बनाया गया, जो नियम के हिसाब से 1/4 भी नहीं है। सेक्रेटरी द्वारा मनमानी करते हुए कोटे का चुनाव कराया गया है और जातिवाद करते किया गया है और सप्लाई इंस्पेक्टर ग्राम प्रधान की गैर मौजूदगी में फर्जी तरह से कुसुम यादव की जीत की घोषणा कर दिया, जहाँ उपस्थित रहे एडीओ ISB हनुमान कुमार, रोजगार सेवक रामावत, सुधीर पूर्व प्रधान ज्ञानचंद्र यादव, SI अजय कुमार पांडे, अन्य पुलिस फोर्स व हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। डूबी हुई रकम को वापस दिलाने के संबंध में ज्ञापन DM को सौंपा गया है। एक पत्र के माध्यम से फरियादियों ने कहा है कि महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक दगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की
उप कंपनीज एवं सोसाइटी में डूब चुकी रकम को 3 गुना 180 दिन में वापस करने के लिए व्हाट्स एक्ट 2019 को अधिसूचना किया है और भुगतान अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी उनके वर्ष 2019 के रूप में जिलाधीश महोदय को नियुक्त किया है। आपको सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि हमारे जिला व तहसील राज्य में शान और सहायक सक्षम अधिकारी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और कानून लागू हो जाने के बाद भी ठगी पीड़ितों के न आवेदन ले रहे हैं न उनकी जमा राशि वापस कर रहे हैं जो कानून का उल्लंघन है। देश के लगभग 12 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की भी डूब चुकी है। करीब 20 लाख करोड़ रुपये की मेहनत की रकम को वापस लाने के लिए हमारा संगठन वो भी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जय पिछले एक वर्ष से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन देश में कर रहा है। एक्ट 2019 का क्रियान्वयन करवाने और पीड़ितों को भुगतान करवाने के लिए मिशन भुगतान भार कार्यक्रम का आयोजन आज हम आपके आधिकारिता क्षेत्र में भी कर रहे हैं। लगातार राज्यों एवं केंद्र को ज्ञापन देकर कानून के विषय में जमाकर्ताओं को जागरूक करना और वर्ष एक्ट 2019 के अंतर्गत हर जिले में भुगतान पोर्टल स्थापित करना हमारे संगठन का मुख्य कार्य है। क्या नाम है? अखिलेश कुमार। किस लिए आप लोग ज्ञापन दिए? हम लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एक हमारा राष्ट्रीय संगठन है, इसके माध्यम से हम लोग आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय का आह्वान था कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग प्रोग्राम करना था हम लोगों का। उसी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जनपद आजमगढ़ में हमने DM महोदय को के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देना था। क्या है ज्ञापन में है? जैसे बर्ड एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए पूर्ण रूप से समस्त प्रदेश में समस्त जनपदों में लागू हो, इसी का हमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया, इसी मांग की गई। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने DM महोदय ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं आपका, इस पर हमारी विस्तार में कार्रवाई चल रही है और ADM महोदय ने बहुत अच्छी खुशखबरी हम लोगों को दिया अपने जनपद के लिए, जो भी अपने जनपद में जितनी भी ज़मीनें अगर किसी भी कंपनी को आप हमें मुहैया कराएं, मैं उस पर तो तुरंत कार्रवाई करता हूं। पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने जिला अध्यक्ष विजय राय के नेतृत्व में बुधवार को मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जनपद के तमाम शिक्षक 1 बजे से ही DAV इंटर कॉलेज परिसर में जमा हुए। 2 बजे से अधिक शिक्षकों ने रहे रेडोपुर सिदारी पलवान की मूर्ति सहित शहर में भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे। संगठन के जिलाध्यक्ष ब्रजेश राय, मंत्री विजय कुमार सिंह, मुन्नू यादव, कमलेश राय सहित शिक्षकों ने जिलाधिकारी को मांग पत्र दिया। शिक्षक संगठन की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली समान कार्य का समान वेतन कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था 2014 से बंद मास सामूहिक बीमा को लागू करने सहित अन्य 16 सूत्री मांगें प्रमुख रूप से की गई है। शिक्षकों के बीच अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ब्रजेश राय ने कहा कि संघर्षों के बल पर मिली शिक्षकों की उपलब्धियां समाप्त करने के लिए सरकारें लगातार षड्यंत्र करती आ रही हैं, परंतु इसकी सुरक्षा के लिए शिक्षकों की एकता के बल पर संगठन अनवरत संघर्ष करता रहेगा। वेतन भी नियमावली और सेवा सुरक्षा में तमाम विसंगतियां उत्पन्न करके सरकार कर्मचारियों का शोषण करना चाहती है, ये संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री राय ने कहा कि शिक्षकों को उपलब्धियां खैरात में नहीं बल्कि संघर्षों के बल पर मिली है। धरने को दीवार कर तिवारी, ध्रुव मित्र शास्त्री, मुन्नू यादव, जयप्रकाश यादव, कमलेश राय, रिजवान अहमद ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदीप गुप्ता, अशोक यादव, अमित जायसवाल, नवेंदु त्रिपाठी, काशीपुरी, संजय राय, अभिजीत पांडे, ऋषिकेश मिश्रा, गोपाल जी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अपना परिचय बता दें। विजय कुमार सिंह, जिला मंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। ये मेन हमारी मांग है पुरानी पेंशन, ये जो नवीन पेंशन योजना NPS हम लोगों पर थोपी गई है उसके खिलाफ सारे शिक्षक और कर्मचारी हैं, इसलिए हमको पुरानी पेंशन चाहिए, उससे कम हम किसी समझौते पे तैयार नहीं। इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे। अपना परिचय बता दें। ब्रजेश राय, जिलाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़। अच्छा, किस मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन? पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिला मुख्यालयों पर हमारे संगठन ने आज मोटरसाइकिल जुलूस का आयोजन किया है और अपनी मांगों से संदर्भित ज्ञापन जुलूस के बाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को कलेक्ट्रेट पर दिया जाएगा। क्या है पूरा? यहाँ से जुलूस निकलेगा DAV इंटर कॉलेज के प्रांगण से रैदोपुर तिराहा होते हुए शारदा टाकी चौराहे से ठंडी सड़क होते हुए उधर जजी चौराहे से होते हुए सिविल लाइन होते हुए अग्रसेन चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे से पहुंच करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचेंगे।
आजमगढ़ की सरायमेर पुलिस ने एटीएम से 5.5 लाख रुपए लूटने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और पैसे भी बरामद कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर मंजीरपट्टी का एक व्यक्ति है जिसमें जिसके पास विदेशों से काफ़ी पैसा आता है और वह फर्जी तरीके से लेन देन करता है, जो इस समय स्टेट बैंक कस्बा सरायमेर आजमगढ़ एटीएम के बगल में मौजूद है। थानाध्यक्ष ने एटीएम के बगल खड़े व्यक्ति के पास पहुंचकर नाम पता पूछा और जमा तलाशी ली गई तो अपना नाम अब्दुल हलीम पुत्र हतीक अहमद निवासी मजीरपट्टी थाना सरायमेर जनपद आजमगढ़ और उम्र 28 वर्ष बताया, जिसका जमा तलाशी लिया गया तो काला बैग मिला, जिसमें खुलवा कर चेक किया गया तो लगभग उसमें 5-5 सौ के 1100 नोट कुल 5,50,000 रुपये बरामद किए गए। एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग गैरे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। थाना सरायमेर की पुलिस टीम द्वारा 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 5.5 लाख रुपया कैश, भारी संख्या में एटीएम कार्ड, कई फर्जी आधार कार्ड एवं अपराध में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना सरायमेर पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120 की एफआईआर पंजीकृत की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि साकिब, आफताब, अयाज और अदनान नाम के 4 व्यक्ति जो विदेश में हैं, इनके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से फैमिली ज्वेलर्स के मालिक गुफरान अहमद पुत्र निसार और अहमद पुत्र अशहद व एक अन्य व्यक्ति असमर पुत्र इमादुल्ला जो संजरपुर का रहने वाला है, इनसे संपर्क कर गोल्ड की स्मगलिंग या कमीशन को आधार बनाते हुए सहमति बनाकर कार्य किया जाता है। गुफरान अहमद व असमर द्वारा भारी मात्रा में कैश मोहम्मद सैफ व फहीम के माध्यम से अब्दुल हलीम, मेहताब, बिलाल को उपलब्ध कराया जाता है, जो इस पैसे को जितेंद्र कुमार व प्रदीप प्रजापति के जनसेवा केंद्र पर जाकर अलग अलग अकाउंट्स में छोटी धनराशि के रूप में जमा कराते हैं, जिसके लिए इनको अपना कमीशन मिलता है। इस दौरान पहचान छिपाने के लिए इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड व मल्टीपल एटीएम कार्ड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। यह संपूर्ण प्रकरण फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर हवाला ट्रांजेक्शन्स किए जाने का प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, अतः सभी संबंधित एजेंसीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सूचित किया जा रहा है एवं जनपद स्तर पर इसकी विवेचना के लिए एक विवेचना टीम का गठन किया गया है। कुल 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 7 अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनमें से 4 के विदेश में होने की बात प्रकाश में आई है। अग्रिम विवेचना अत्यंत सूक्ष्मता और विस्तृत तरीके से संपादित की जाएगी। आज प्रदेश अध्यक्ष उद्योग व्यापार संगठन आजमगढ़ इकाई के पदाधिकारियों द्वारा आमजन के बीच मिठाइयां खिलाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों के हित के लिए सदैव लड़ने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भविष्य उज्ज्वल और कीर्तिवान रहे, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। इस उपलक्ष्य पर अरुण चौरसिया, गोविंद दुबे, मोनू विश्वकर्मा, रविशंकर तिवारी, जगपाल चौरसिया, अवनीश चतुर्वेदी, नीरज सिंह, राकेश मौर्य, भानु प्रताप सिंह, विवेक अग्रवाल आदि गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कई बच्चों और शिक्षकों को शपथ दिलाई गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना के समापन समारोह के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक के अनुसार आज से 9 अगस्त 2023 को उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर पलानी आजमगढ़ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर जी की उपस्थिति में पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी पलानी आजमगढ़ दिनेश कुमार वर्मा एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर जी को जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह तिरंगा पगड़ पहनाकर स्वागत किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर जी ने कहा कि हम आशा सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर प्रधानाध्यापक विजय कुमार, कुसुम पाठक, इंद्रावती सिंह, पूनम राय, संगीता राय, सुमिता राय, गीता राय, ऋतु पांडे, रमजा फातमा, अभिषेक दुबे, संगीता यादव विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह ने किया। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय क्षेत्र में युवक की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय न्याय महासभा ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। 14 अगस्त तक गिरफ्तारी नहीं होने पर 15 अगस्त को धरना देने की चेतावनी दी है। बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के सोनवारा नहर के पास सेठवल गांव निवासी गुलाब शर्मा का शव बीते 15 जुलाई को मिला था। इस मामले में परिवार वालों ने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जाँच के उपरांत 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी को अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय न्यायिक महासभा के नेतृत्व में पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन दिया। इस दौरान राष्ट्रीय न्यायिक महासभा के जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि गुलाब शर्मा की हत्या के मामले में खुलेआम घूम रहे 2 आरोपी मुकदमा वापस लेने के लिए पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। पुलिस उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। इसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग किया गया है कि 14 अगस्त तक दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो 15 अगस्त को पीड़ित परिवार के साथ धरना देंगे। क्या नाम है? रमेश शर्मा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय न्याय महासभा। आज किस मांग को लेकर डीएम साहब की न्याय?
आज गुलाब शर्मा रानी सराय सेठोल की हत्या हो गई थी, उसी सिलसिले में जो है हम शासन जो है कि दिए थे, एसपी को दे चुके हैं, थाना अध्यक्ष रानी सराय को जो है मिल चुके हैं, पीड़ित परिवार मिल करके थक चुका है, इसलिए हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। और आज 9 तारीख से 14 तारीख का समय देते हैं, अगर इस बीच में अगर अपराधी गिरफ्तार हो जाते हैं, एक अपराधी गिरफ्तार है, 2 खुलेआम घूम रहे हैं, मुकदमा वापस करने की धमकी भी दे रहे हैं, तो हम आज 9 तारीख से और 14 अगस्त तक का समय देते हैं, अगर इसमें गिरफ्तार अपराधी हो जाता है तो ठीक है, तो 15 अगस्त को जो है हम जिले में पीड़ित परिवार को लेकर समाज को लेकर के धरने पर बैठेंगे। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां जनपद का नाम रोशन करने वाले शिव मिश्रा पीसीएस के एक्साइज इंस्पेक्टर केंद्रीय अधिकारी वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिलांग से अपनी ट्रेनिंग पूर्ण करने के अपने गृह क्षेत्र अतरौलिया में प्रथम आगमन पर लोहरा टोल प्लाजा पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गाड़ियों का लंबा काफिला अतरौलिया से होते हुए लोहरा टोल प्लाजा पहुंचा, जहां शुभम मिश्रा का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत शुभम मिश्रा ने सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि मूल रूप से क्षेत्र के सुखीपुर निवासी शुभम मिश्रा 2 भाइयों में सबसे बड़ा है, जो अतरौलिया स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में रहकर अपनी पढ़ाई शुरू की। शुरू से ही मेधावी रहे शिव मिश्रा ने अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की और जनपद समेत पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी सफलता पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता रहा। तत्पश्चात शिव मिश्रा अपने अतरौलिया स्थित आदर्श नगर कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पहले से ही फूलमाला लेकर उनको लोग उनका स्वागत का इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचते ही शिव मिश्रा को लोगों ने फूलमाला से ला दिया। आइए सुनाते हैं कि शिव मिश्रा भाजपा नेता नीरज तिवारी और शिव मिश्रा के पिता ने क्या कुछ कहा। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है, जब अपने क्षेत्र का अपने जिले का कोई लड़का होता है किसी अच्छे पद पे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। उसके स्वागत में करने का बस एक ही मकसद था कि समाज में और भी युवा जागे और इस तरीके से काम करें, अपने देश का, अपने समाज के, अपने लोगों का नाम रोशन करें। ट्रेनिंग के बाद सर्वप्रथम आप अपने गृह क्षेत्र में आए, हाँ, आपका स्वागत हुआ है, कैसा लगा है? बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही अच्छा लगा हमें। हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन आप लोग का प्यार देखिए, मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है और बहुत ही अवर्णनीय है, बयां नहीं कर सकते। इसके बाद ट्रेनिंग हमारी कम्प्लीट हो गई है, पोस्टिंग हुई है, अभी कोलकाता जोन मिला हुआ है, फिर वहाँ से सर्विस कंटिन्यू करेंगे। क्या आगे कलकत्ता में या यूपी में आने की संभावना? हाँ हाँ, इसके बारे में अभी 2 से 4 साल के सर्विस के बाद ऑल इंडिया ट्रांसफर होगा, उसके बाद हम अपने गृह राज्य में आने का प्रयास करेंगे। अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जरूर देना चाहेंगे, कड़ी मेहनत करिए और हर चीज़ आप पा सकते हैं, सिर्फ मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लगे रहिए, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आजमगढ़ के श्री महादेव इंटर कॉलेज में चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली कक्षा 11 की छात्रा सुरेश तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रशासन फजल खान ने सभा के उद्देश्य को बताता था, कहा कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, वह छात्रा के परिवार के साथ समस्त विद्यालय परिवार की संवेदना है। विद्यालय के निदेशक राजू ने अपने भेजे गए शोक संदेश में कहा कि आजमगढ़ में हुई छात्रा की मौत से मैं बहुत ही हताहत हूँ और जो दुख मुझे महसूस हो रहा है उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर दिवंगत छात्रा के परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें। बच्चों ने सुरेश तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर फजल खान, स्कूल प्रशासन, राजू डायरेक्टर, शिक्षकों में मौजूद सुरेंद्र विकास आदि लोग मौजूद रहे। छात्रों में साक्षी मौर्य, नंदिनी, अमन यादव, आदित्य विश्वकर्मा छात्र मौजूद रहे। नमस्कार, मैं फजल खान, एडमिनिस्ट्रेटर श्री महादेव इंटर कॉलेज सिधारी आजमगढ़। आज हमारे विद्यालय में श्रेया तिवारी जो चिल्ड्रेन कॉलेज की छात्र थी उसकी दुखद मृत्यु के कारण आज हमारे विद्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे और कुछ शिक्षकों ने श्रेया तिवारी को श्रद्धांजलि दी। श्रेया तिवारी के जाने से हम बहुत दुखी हैं, विद्यालय परिवार उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और विद्यालय परिवार उनके माता पिता और उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा है। धन्यवाद। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां अतरौलिया स्थित सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय में शासन
के आदेशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 9 अगस्त 2023 को पंचपर्ण की शपथ दिलाई गई, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश एवं तिरंगा का संपूर्ण देश में उत्सवी ढंग से आयोजित किया गया। आज बुधवार उसके उपलक्ष्य में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह सर्वसयाद संयुक्त चिकित्सालय के प्रांगण में CMS डॉक्टर SK ध्रुव के नेतृत्व में अस्पताल के सभी डॉक्टरों और स्टाफ के लोगों ने अमृतकाल के पंचपर्ण विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति अपनी विरासत पर गर्वता और एकजुटता नागरिकों में कर्तव्य की भावना की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर डॉक्टर हमीर सिंह डॉक्टर AK राय डॉक्टर राजन शर्मा मुकेश गुप्ता संतोष वर्मा डॉक्टर अली हसन सरिल संजय मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि CMS डॉक्टर SK ध्रुव ने क्या कुछ कहा। सर आज सौसैया अस्पताल में किस चीज़ की शपथ ली गई है और क्या है ये पैटर्न, इसके बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव जी विनोद कुमार जी, श्री विनोद कुमार जी के पत्र संख्या के क्रम में एक चिकित्सा अनुभाग 7 का पत्र था, आज़ादी का अमृत महोत्सव 9 अगस्त को मनाया जाना है, 9 अगस्त को, उसमें पंचप्रण की शपथ के संबंध में यह एक समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान का हमारे सभी हमारे चिकित्सालय के स्टाफ डॉक्टर चिकित्सकों ने एक शपथ ली। जो क्या दिशा निर्देश दिए गए इसके बारे में? शपथ में कहा गया है कि विकसित भारत का लक्ष्य है गुलामी के हरण से मुक्ति अपनी विरासत पर गर्व एकता एकजुटता के बारे में बताया गया, नागरिकों के अपने कर्तव्य की भावना के रूप में, और चिकित्सकों को भी अपने शपथ ली गई अपने विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग करें, चिकित्सीय कार्य संपादित करके अपना योगदान दें। 9 अगस्त 2023 कांग्रेसियों ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया एवं शहीद स्थल पर पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल ज्ञात अज्ञात शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। तदुपरांत जिला कांग्रेस कार्यालय पर मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी हुई। विचार गोष्ठी में देश की आज़ादी में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका पर विशेष चर्चा की गई तथा कांग्रेसियों ने रचनात्मक भावना से देश के उत्थान के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रीता मौर्य प्रदेश महासचिव OBC विभाग थी। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ो नारे के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। उनके आह्वान पर देश के असंख्य युवा क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और तमाम आंदोलनकारी शहीद हुए और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस महासचिव अजित राय ने कहा महात्मा गांधी के आह्वान पर ग्वालियर टैंक मैदान में हजारों लोग एकत्र हुए, जो भारत छोड़ो नारे के साथ एक बड़ा अंचल आंदोलन आरंभ हुआ जो देश की आज़ाद करण तक चलता रहा। इस मौके पर जगदम्बिका चतुर्वेदी कन्हैया कुमार राव कैप्टन अशोक वर्मा अंजलि पांडेय अशोक सिंह ऋषिकांत पांडे नगीना प्रसाद मौर्य गीता गौड़ शंभू शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। क्रांति दिवस के अवसर पर आज हमारे कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम हुआ है। पहले हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर गए, माल्यार्पण किया और उनको धन्यवाद दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा, करो या मरो का नारा ये इन्होंने देश की आज़ादी के लिए दिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे मजबूर किया। तत्पश्चात हम लोग शहीद स्थल पर आए और तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी। ये सब कार्यक्रम करने के बाद हम लोग अपने कांग्रेस कार्यालय में आए और एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और उसमें हम देश की आज़ादी में जो भूमिका हमारे शहीदों ने निभाई उस पर व्यापक चर्चा हुई। तत्पश्चात हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सुरेंद्र सिंह जी की माता का आकस्मिक निधन हो गया था, जिस पर हम लोगों ने कुछ मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। यही सब विभिन्न कार्यक्रम आज इस कांग्रेस कार्यालय पर मनाया।